अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद इमरान, CEO एंड फाउंडर ऑफ सिटी ग्रुप। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ सिटी ग्रुप। जिस ग्रुप के साथ आप जुड़े हैं वो बेसिकली है क्या, द पास्ट क्या है और वो फ्यूचर प्लान्स क्या रखता है। सो दिस इज सिटी ग्रुप। सिटी ग्रुप एक कंप्लीट ई कॉमर्स सोल्यूशन है जिसमें बहुत सारी कंपनीज एंड ब्रांड्स आते हैं, जैसे हमारे लॉजिस्टिक्स, सिटी लॉजिस्टिक्स है, सिटी शॉप है, मीमसूक है, सिटी मीडिया मार्केटिंग है, सिटी स्टूडियो है एंड सिटी कॉमर्स जिससे आप हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम टू सिटी कॉमर्स। ये हमारी टाइमलाइन है। 2014 में हमने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था, जो आज इस वक्त में 40,000 प्लस SKU का पोर्टफोलियो रखती है, 15 मार्केट प्लेस से ऊपर रजिस्टर्ड है और लोकली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल सप्लायर्स है। इन 2017 हमने मार्केट प्लेस के साथ एसोसिएट हुए, जिसमें सारे मेजर मार्केट प्लेस, यू नेम इट एंड वी हैव अकाउंट विद देम। इन 2020 वी लॉन्च सिटी स्टूडियो, सिटी मीडिया मार्केटिंग, सिटी लॉजिस्टिक्स। सिटी मीडिया मार्केटिंग बेसिकली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ये हमारी इन हाउस है। सिटी स्टूडियो हम फोटोग्राफी है हमारी एंड सिटी लॉजिस्टिक्स जो ई कॉमर्स सॉल्यूशन देती है स्टोरेज एंड लास्ट माइल डिलीवरी की। इन 2022 वी लॉन्च सिटी कॉमर्स। सिटी कॉमर्स बेसिकली क्या है? सिटी कॉमर्स हमारी 8 साल की जर्नी में जो हमने एक्सपीरियंस किया, ऑनलाइन इंडस्ट्री को समझा, आसान अल्फाजों में राइटफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। बेसिकली हमारा मिशन है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री से हर बंदा फ़ायदा उठाए और आपके अंदर जो एंटरप्रेन्योर है उसको बाहर निकालने की मदद करें। विजन, हम एक ऐसी सेलर कम्युनिटी चाहते हैं जो इकोसिस्टम बिल्ड करे और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करे। सो हियर इज प्रूवन सेल रिपोर्ट। हमारे ये कुछ फिगर्स हैं, हम नहीं कहते कौन गलत और कौन सही, बट जो हम दे रहे हैं वो हम प्रूव कर रहे हैं। अपने 8 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो हमारे नंबर्स भी कहते हैं। जैसे नून है, इसमें 1.2 मिलियन का बिजनेस किया है। अमेजोन है, जिसमें 300,000 का बिजनेस किया है। एंड कार्टलो 181,000 का हमने मर्चेंटाइज दी हुई है। सो बेसिकली ये बताने का मकसद सिर्फ एक है कि आप जिनके साथ जुड़े हैं वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे, उनके पास नंबर्स हैं। तो आप सबको ये ओपन एक्सेस है, कभी भी किसी भी वक्त आपके वेरीफाई करना चाहें, मेरे कैबिन में आए, आपको दिखाया जाएगा। तो हमने इस नॉलेज को 6 सेशन में डिवाइड किया है, उसका ये रोड मैप है। सिर्फ फर्स्ट आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कंपनी के बारे में और ई कॉमर्स के बारे में। सेकंड सेशन में आपको ई कॉमर्स के बिजनेस मॉड्यूल समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे। तीसरे सेशन में आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, लोकल मार्केट के कनेक्शन क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस मार्केट में 8 साल से हैं, हमारे ऑलरेडी रिलेशन डेवलप्ड हैं, उनके भी कॉन्टैक्ट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि ईजीली आपको एक अच्छे बेहतर रेट्स में अच्छी प्रोडक्ट मिले। सो फोर्थ सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडलिंग रिटर्न्स, कंप्लाइंस, कस्टमर सर्विस। कंप्लाइंस जो बहुत लोग गलतियां करते हैं, कंप्लाइंस को वो समझ नहीं पाते। कंप्लाइंस जिस मार्केट प्लेस के आप पर काम कर रहे हैं उनके क्या SOPs हैं, वो किस तरीके से काम करवाते हैं या उनको क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। हम इंशाल्लाह आपको ये इन डिटेल में समझाएंगे। काफ़ी पे आपने सुना होगा अकाउंट ब्लॉक हो गया, अमेजोन ने डीएक्टिवेट कर दिया, नून ने ब्लॉक कर दिया। सो ये सारी जो है ना पता होने की वजह से होता है, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। फिफ्थ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या है? हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो हमारे पास शिपमेंट्स हैं, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट को पैकआउट कैसे करना है, प्रोडक्ट को पैक कैसे करना है, हैंडओवर कैसे करना है, ये इन डिटेल में आपके हाथों से करवाएंगे आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाए। सिक्स सेशन में आपसे डिस्कस होगा, जो आपके सवालात होंगे, Q&A सेशन रखेंगे और एक अच्छा सा किक बूस्ट स्टार्टर आपको देंगे, जिसमें आपको बिजनेस को ग्रो करने में आसानी होगी। बेसिकली आपने यही स्टेप लेना था सिटी कॉमर्स को ज्वाइन करने का, अब यहाँ से आपकी जो जर्नी शुरू होती है। मैं आपको ये नहीं कहता कि ओवरनाइट आप मिलीनियर बन जाओगे, बट बिलीव मी ये रास्ते से मिलीनियर बन सकते हैं। ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये इसका एक छोटी सी स्टार्ट है, जो बेसिकल स्टार्ट लेना ही मेन होता है। ये जस्ट स्टार्ट है, ऑनलाइन वर्ल्ड बहुत बड़ा है। ये समझें आप कि ये एक गोल्ड के माने है ई कॉमर्स। जैसे आप गोल्ड अगर आपके पास है तो ओवरनाइट आप उसको कैश करवा सकते हैं, जो रिटर्न्स मिलते हैं फौरन, ये ई कॉमर्स से आपको फौरन रिटर्न्स मिल सकते हैं। सही राइट स्ट्रेटजी, राइट प्रोडक्ट, सिर्फ आपको ये फोकस करना है। सो यहाँ से मेरी टीम, इंस्ट्रक्टर आपको इन डेप्थ
डिटेल के अंदर पूरा कोर्स बताएंगे और आपको वादा करना है जब तक आपको समझना है आप पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच आपके टाइम देने के लिए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ मैं आपके साथ हूँ, आगे आने वाले वर्कशॉप में मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। ओके जीतो, वेलकम टू सिटी कॉमर्स। ठीक है, सिटी कॉमर्स क्या है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए उसका जी, ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम कोर्स के आउटलाइन की तरफ चलते हैं। दिस इज आवर सिटी ग्रुप, कि हम एक एज अ सिटी ग्रुप काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे साथ सिटी शॉप शामिल हैं जिसमें हम नून पे सेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मीम शॉप जो कि हमारा अमेजोन का ब्रांड है। उसके बाद आता है सिटी मीडिया जिसमें हम फोटोग्राफी करते हैं, स्टूडियो भी सेम ही है, ठीक है। उसके बाद आता है सिटी कॉमर्स जिसमें ये अभी हमने जो 2022 में लॉन्च किया है, ठीक है। और उसके बाद आता है सिटी लॉजिस्टिक जिसमें हम आपको फुलफिलमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं आपके कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारी टाइमलाइन, व्हाट इज सिटी कॉमर्स। सिटी कॉमर्स सिटी ग्रुप वाज फाउंडेड इन 2014 एंड एस्टैब्लिश्ड इट्स बिजनेस अक्रॉस जीसीसी एंड अदर कंट्रीज ओवर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। It's one of the most trusted e-commerce group in the region with 40,000 SKUs and associated with major app platform, ठीक है। तो हमने 2014 में इस जर्नी का स्टार्ट किया था, ठीक है। उस वक्त में भी नून भी नहीं था, अमेजोन भी नहीं था, अदर जो प्लेटफॉर्म थे उन पे हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन सेल करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8+ ईयर एक्सपीरियंस है इस काम में, इस बिजनेस में, ठीक है। सबसे पहले हमारा सिटी शॉप 40K प्रोडक्ट्स ओवर 15 मार्केट प्लेसेस विद ट्रस्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड सप्लायर लोकली एंड इंटरनेशनली, ठीक है। सिटी शॉप जैसे मैंने आपको बताया नून पे अमेजोन पे हम सब पे सेल करते हैं एज अ सिटी शॉप। तो हमारे अलहमदिल्ला 40K प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम 15 से ज्यादा मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं, ठीक है। एसोसिएट विद मार्केट प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस कुछ जो मेजर हैं जो ज्यादा बड़ी हैं वेल नोन हैं वो है नून, अमेजोन, कैरीफोर, दुबई स्टोर, शॉपिफाई, कार्टलो, स्टोर अस, लाला ब्रिक्स, एसएचजे कूप और एसएस, ठीक है। ये कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जिन पे हम सेल करते हैं। उसके बाद हमारा जो ग्रुप है वो है सिटी स्टूडियो, सिटी लॉजिस्टिक, सिटी मीडिया मार्केटिंग। वी हैव लॉन्च्ड इन आवर हाउस स्टूडियो मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक इन 2020, ठीक है। उसके बाद आता है सिटी कॉमर्स। सिटी कॉमर्स एम्स टू क्रिएट 1000 ऑफ सक्सेसफुल ई कॉमर्स सेलर इन जीसीसी हु विश टू सेल ऑनलाइन यूजिंग द पावर ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। हमारा जो मिशन है, हमारा एम है वो ये है कि हम सक्सेसफुल सेलर्स कम्युनिटी क्रिएट करें जो कि जीसीसी में अपने ई कॉमर्स अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये हमने अपना जो एक इदारा है ये 2022 में लॉन्च किया, ठीक है। अभी है हमारा सिटी कॉमर्स, ठीक है। सिटी कॉमर्स इज एमिंग टू फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर इनेबलिंग द पीपल स्पेशली द यूथ टू एस्टैब्लिश ई कॉमर्स बिजनेस एंड एम्स टू स्ट्रेंथन देयर ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन द रीजन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पैसिव इनकम, ठीक है। तो हमारा एम आपको समझ आ गया होगा, हमारा मिशन यही है कि जो यूथ यहाँ पे जॉब कर रही है मोस्टली उनका साइड बिजनेस स्टार्ट करना ताकि इन फ्यूचर वो अपना साइड बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस करें और जॉब को छोड़ दें, ठीक है। विजन हमारा है टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड इको सिस्टम इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री एंड इंक्रीज देयर फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है। उसके बाद आता है वाई सिटी कॉमर्स, कि हम ही क्यों, क्योंकि इस यूएई में बहुत सारे और भी एजेंसीज हैं जो ये चीज करवा रही हैं, तो वाई सिटी कॉमर्स, ठीक है। वी हैव 8+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। वी हैव बीन सेलिंग ऑनलाइन इन यूएई एंड जीसीसी सिंस 2014, हम 2014 से इस कंट्री में सेल कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री नॉलेज है हमें, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज है हमें, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट टिल योर फर्स्ट, ये चीज है जो हम एक क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। Once you sign up to our program, we provide you with support and assistance till your first sale, ठीक है। तो हम आपको आपकी first sale तक support करेंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ आपने course किया और उसके बाद that's it, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तो ऐसा नहीं होगा। हम आपको आपकी first sale तक support करेंगे और first sale भी ऐसे कि जिसमें for example first sale तो वैसे ही आ जाती है, आप किसी brand के साथ meet करते हैं तो आपको first sale तो वैसे ही आ जाती है, लेकिन हमारा जो first sale का ये है कि हम उसको proper rank करेंगे, ठीक है, आपके product को, और उसके बाद जो है उसको लिस्टिंग करवाएंगे, ऑप्टिमाइजेशन करवाएंगे, पीपीसी कंपेन करवाएंगे, और उसके बाद आपको आपकी सेल आएगी तो वो हमारी सेल होगी। मीन के हम सब सिनेरियो से आपको गुजरवाएंगे, जैसे कि मतलब प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये फर्स्ट सेल का होगा, तो ये चीज हम क्लेम करें, ठीक है। उसके बाद है ए टू जी सोल्यूशन।
We help you during your journey from theory to practical. Areas include promotion, product, marketplace support, shipping and logistic. मतलब हम सब solution आपको देंगे, ठीक है? जो आपको हमसे help चाहिए होगी, हम वो आपको provide करेंगे. Business automation support. आपने काम start कर लिया, ठीक है? उसके बाद अब आप उसको grow करना चाहते हैं, उसके ideas भी हम आपको देंगे कि आप कैसे grow कर सकते हैं, अपने business को run कर सकते हैं. बेसिकली हम डिस्कस ये कर रहे थे कि वाई सिटी कॉमर्स, ठीक है, कि मार्केट में और भी तो एजेंसीज हैं, तो वाई सिटी कॉमर्स, ठीक है. तो बेसिकली दीज आर आवर बुलेट पॉइंट्स. हमें 8+ years का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इंडस्ट्री नॉलेज है, ठीक है. वी प्रोवाइड रियल इंडस्ट्री नॉलेज विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर बेस्ट रिजल्ट, ठीक है. उसके बाद है प्रोडक्ट नॉलेज. वी डू नॉट जस्ट ट्रेन यू बट आल्सो प्रोवाइड यू विद डिटेल प्रोडक्ट नॉलेज इंक्लूडिंग सोर्सिंग एंड सप्लाई, ठीक है. अब यहाँ पे हम एक चीज क्लेम कर रहे हैं कि आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद आपको नहीं पता कि हमने सोर्सिंग कहाँ से करनी है, तो हम आपको जो है जो सप्लायर्स हैं हमारे उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे, ठीक है. और उसके बाद इंटरनेशनल जो रेट 4,000 उसमें हम जो इंटरनेशनल सोर्सिंग वो भी आपको, ठीक है, ठीक है. उसके बाद आता है सपोर्ट टिल योर फर्स्ट सेल, कि हम आपको आपके फर्स्ट सपोर्ट तक सेल करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट आता है ए टू जेड सॉल्यूशन. जहां पे भी आपको कोई इश्यू आएगा, हमारी फेसबुक सेलर कम्युनिटी है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, तो वहां पे जो भी एक्सपर्ट बैठे होंगे आपके क्वेश्चन के आंसर करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है. उसके बाद आता है बिजनेस ऑटोमेशन सपोर्ट. एक दफा आपने स्टार्ट कर लिया, अब आप उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी हम आपकी सपोर्ट करेंगे, ठीक है. उसके बाद ये कुछ हमारी प्रूवन सेल्स रिकॉर्ड हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो स्क्रीनशॉट है वो हमारा नून का है, जिसमें हमने 1.2 मिलियन की सेल की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह. और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेमेंट जो है 2022-8 है, ठीक है, मतलब अगस्त में थी ये, ठीक है. अभी नीचे जो है वो हमारा अमेजोन का है, वो 2,81,000 दे रहे हैं, ठीक है. तो ये हमारे कुछ प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं. नीचे हमारे पास कार्टलो आ रहा है, उस पर आप देख सकते हैं 1,81,000 हम उनके पास हमारी वर्थ है, ठीक है. हमारे जो 1,81,000 दिरहम के प्रोडक्ट्स हैं वो उनके वेयर हाउस में पड़े हैं, ठीक है. तो ये हमारा रिकॉर्ड है. उसके बाद ये हमारा ग्रोथ चार्ट है कि हमने 2014 में स्टार्ट किया, ठीक है, 2016 में हमने ग्रो किया, 2018 में इतना ग्रो किया, 2020 में ये किया और 2022 में ये है, ठीक है. नेक्स्ट आता है रोड मैप, कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरतीब से पढ़ेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स है क्या, ठीक है. उसके बाद हाउ टू हंट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है, ठीक है, जो कि मेन और बैकबोन है इस काम की, ठीक है. उसके बाद लिस्टिंग एंड सोर्सिंग लोकली एंड इंटरनेशनली विद कॉन्टैक्ट्स, ठीक है. तो हम यहाँ पे आपको सोर्सिंग सप्लायर्स के नंबर भी देंगे जो लोकली होंगे, और इंटरनेशनल जो सोर्सिंग है वो कैसे करते हैं प्रोफेशनली वो भी आपको सिखाएंगे, ठीक है. उसके बाद आता है हैंडलिंग रिटर्न, कस्टमर सर्विस एंड कंप्लायंस, ठीक है, कि जो रिटर्न आता है हमें वो कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है. और उसके बाद ऑर्डर जो हमें आते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, ऑर्डर मैनेजमेंट होती है. उसके बाद हमारा एक है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का सेशन होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे अगर आप FBM कर रहे हैं, क्योंकि फुलफिलमेंट के दो तरीके होते हैं FBA और FBM, तो अगर आप FBM कर रहे हैं तो आपने उसको सेल्फ शिप कैसे करना है, ठीक है, वो तो हम प्रैक्टिकली आपको अपने वेयरहाउस में करवाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट पे मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देता जाऊँ छोटा सा. माय नेम इज जाबिर अली एंड आई एम ई कॉमर्स एक्सपर्ट एंड ट्रेनर इन UAE. मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं इस एजेंसी के साथ 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है. अब से हमारा लेक्चर स्टार्ट है, तो लेक्चर नंबर 1 की तरफ चलते हैं. अभी तक इंट्रोडक्शन में किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई समझ आ गई क्लियर, तो पूछ सकता है, ठीक है. अभी हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो इसमें देखते हैं व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, इस कोर्स में आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है. कुछ कोर्स की आउटलाइन है, ठीक है, ओके. अभी सबसे पहले है व्हाट इज ई कॉमर्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स क्या है. उसके बाद आया टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड अकाउंट क्रिएशन, ठीक है. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन से हैं, उन पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है ये पढ़ेंगे. उसके बाद आता है सेलिंग ऑन इंडिविजुअल वर्सेस कंपनी अकाउंट, कि आप इंडिविजुअल अकाउंट पे कैसे सेल कर सकते हैं और कंपनी अकाउंट पे कैसे सेल कर सकते हैं, इन दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है. उसके बाद आता है बिजनेस मॉडल्स ऑन मार्केट प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस पे कौन कौन से बिजनेस मॉडल हम कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे अमेजोन FBA एंड FBM, प्रोडक्ट हंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग पढ़ेंगे, उसके बाद डीलिंग विद सप्लायर, लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है. और उसके बाद आता है हमारा सेलिंग ऑन अमेजोन, नून, कैरीफोर, शॉपिफाई एंड कार्टलो, मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया, कि आपने प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, उसको अब रैंक कैसे करना है, ठीक है. तो मार्केटिंग भी हम देखेंगे.
उसके बाद ए प्लस कंटेंट आता है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी गाइड आती है, जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको मैंने कि हमारा सिटी स्टूडियो भी है, हमारा एक ब्रांच है, तो उसमें हम फोटोग्राफी की गाइड्स भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शिपिंग ऑर्डर्स, के ऑर्डर आता है तो उसको कैसे शिप करना है, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मीटू कर देते हैं, किसी को ऑर्डर आ जाता है तो फिर इनकी पोस्ट आई पड़ी होती है कि सर मेरा पहला ऑर्डर आ गया है और मैंने इसको शिप कैसे करना मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। डिलीवरी मैथड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि आपको फुलफिलमेंट कौन सा बेहतर रहेगा, FBA रहेगा, FBM रहेगा, ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। हैंडलिंग रिटर्न्स एंड कस्टमर केयर, अगर आपने कोई ऑर्डर प्रोसीड किया है उसका आपको रिटर्न आ जाता है उसको कैसे हैंडल करते हैं और कस्टमर से कैसे बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि अमेजोन में जो होता है आप कस्टमर को डायरेक्ट रिव्यू के लिए या किसी और के लिए डायरेक्ट उससे चैट नहीं कर सकते, एक तो ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट होता है, उससे आप डायरेक्ट डीलिंग नहीं कर सकते कि मुझे, और डायरेक्ट ये भी नहीं कह सकते कि मुझे रिव्यू दें, ठीक है। अमेजोन उसको टैकल करता है और आपको फिर इशू आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस ऑटोमेशन, के बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, प्रॉफिट जनरेशन के मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी कंप्लायंसेज अमेजोन की, डेफिनेटली हम अमेजोन पे, नून पे, कैरी फोर पे, ठीक है, इन सब पे सेल कर रहे हैं तो इनकी कुछ पॉलिसीज हैं, इनके कुछ कंप्लायंसेज हैं तो वो हम देखेंगे। डीलिंग विद कॉपीराइट, के जो हमारे साथ मीटू के साथ जुड़ जाते हैं, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर करवाना है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आता है बिजनेस एक्सपेंशन एंड स्केलिंग, के आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और उसके बाद आपको स्केल कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले है जी व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है। अच्छा मैं एक चीज और बताता चलो, अभी हमारा कुछ इश्यू चल रहा था जूम की वजह से तो हमारी परचेजिंग नहीं हो पाई, तो इसमें हमारे जो जूम की होंगी ना मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा 40 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो आपने दोबारा काइंडली ज्वाइन कर लेना विद इन 1 मिनट, ठीक है, ताकि कोई डिले से बच सके हम, ठीक है। व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। सेलिंग एंड परचेजिंग ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, ठीक है, मतलब हमने इंटरनेट के जरिए सारा काम करना है कि हम पहले तो हम फिजिकली एक शॉप पे जाते हैं वहां से चीजें परचेज कर लेते हैं, ठीक है, बट ई कॉमर्स का मतलब यह है कि हम इंटरनेट के थ्रू ही, मतलब किसी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद किसी वेबसाइट पे स्टोर पे जाके वहां से परचेज कर लेंगे और आगे अपने स्टोर पे सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये है ई कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की कितनी अकसाम है, ठीक है, कि हमने ऑनलाइन ले तो लिया, ठीक है, और आगे सेल भी कर लिया, लेकिन इसकी अकसाम कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन इसकी मेजर अकसाम है, वैसे तो ज्यादा है लेकिन जो हम यूज करते हैं वो तीन मेन है, ठीक है। उसमें आता है बी टू बी, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बी टू बी कहते हैं और लॉन्ग टर्म में बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बिजनेस टू बिजनेस क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाइना से अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने बिजनेस पर्पज के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी आगे बिजनेस है, ठीक है, मतलब मैं प्राइवेट लेबल अगर कर रहा हूँ तो मैं चाइना से एक बंदे को ऑर्डर दूंगा 100 यूनिट्स का, अब 100 यूनिट्स मेरे से आगे इकट्ठे तो किसी ने लेने ना, तो मैं उसको अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, उसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, मतलब उसका भी बिजनेस है मेरा भी बिजनेस है, मैंने आगे कंज्यूमर को देना है, ठीक है। तो वो जो अलीबाबा से हमारे पास आएगा वो होगा बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, वो होता है अब देखें अलीबाबा से मैंने ले लिया अपने मेरे पास स्टोर में आ गया, वो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। अब जब मेरे स्टोर से कस्टमर के पास जाएगा ना उसे कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, उसे कहते हैं बी टू सी। थर्ड वन है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें अलाउ करते हैं, इवन तो अमेजोन भी अलाउ करता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में वो यूज कंडीशन में भी चीजें सेल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घर के आइटम, ठीक है। तो वो क्या होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर, कि एक मेरे पास जैसे अभी कार्डलो है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मैंने एक मोबाइल सेल करना है, मेरे पास मोबाइल है वो पुराना हो गया तो उसको मैंने सेल करना है, तो मैं पहले मैं उसका कंज्यूमर हूंगा, ठीक है, तो उसको मैंने आगे फिर किसी कंज्यूमर को सेल करना है, तो वो होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद आता है मेजर मार्केट प्लेसेस इन यूएई, ठीक है, यूएई में सबसे बड़ी मार्केट प्लेसेस कौन कौन से जिन पे हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है अमेजोन, उसके बाद आता है नून, ठीक है, उसके बाद आता है कैरीफोर, उसके बाद आता है कार्डलो और उसके बाद आता है शॉपिफाई। तो ये 4 से 5 बड़ी मेजर मार्केट प्लेसेस हैं जिन पे हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे कि इन पे आप कैसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अमेजोन यूएई, ठीक है, पहले हम अभी अमेजोन पे चलते हैं और उस पे देखते हैं, क्योंकि मेजर जो है वो अमेजोन है, ठीक है, हमें प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज वहां से मिलते हैं, हमने सोर्सिंग वहीं से करनी होती है, बाद में हम उसको पूरी मार्केट्स में जो जो प्लेटफॉर्म है हम उन पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम फोकस करेंगे अमेजोन पे, इंशाल्लाह अगर आपका अमेजोन क्लियर हो जाता है तो बाकी आपको बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहले है जी व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन है क्या, ठीक है। Amazon.com is the world largest online retailer, originally started as online book selling company, ठीक है।
Amazon.com जो है दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर। अब रिटेलर क्या होता है, अब आपके जेन में क्वेश्चन आएगा रिटेलर क्या होता है। रिटेलर वो पर्सन होता है जो कि एक प्रोडक्ट लेता है आगे आगे सेल करने के पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिटेलर हूं तो मैं कोई चीज परचेज करूंगा आगे सेल करने के लिए, ठीक है ना, तो उसे रिटेलर कहते हैं। लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर ऐसे होते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनली स्टार्टेड एज ऑनलाइन बुक सेलिंग। तो ये जो .com है ये दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर वेबसाइट है, और ये जब स्टार्ट हुई थी तो इसके एक राइटर ने अपनी बुक को सेलिंग करने के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है हाउ मेनी बिजनेस मॉडल आर ऑन Amazon, Amazon के ऊपर कितने बिजनेस मॉडल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स ऑन Amazon, Amazon पे तीन किस्म के बिजनेस मॉडल है, ठीक है। सबसे पहले है प्राइवेट लेबल, उसके बाद है होलसेल, और उसके बाद है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो ये तीन बिजनेस मॉडल हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल क्या है, ठीक है। प्राइवेट लेबल इज द बिजनेस मॉडल वेयर सेलर सेल हिज प्रोडक्ट अंडर हिज ब्रांडिंग, ठीक है। अब पीएल में कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक एग्जांपल आ गई कि यहाँ पे दो बॉटल्स पड़ी हैं, एक के ऊपर नेम ब्रांड लिखा हुआ है, दूसरे के ऊपर स्टोर ब्रांड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपने पीएल में लॉन्च करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे इसका मैं अपना नाम लिखवा दूंगा, जैसे मेरा नाम जाबिर है तो मैं इस पे अपना नाम लिखवा दूंगा, तो ये मेरा प्राइवेट लेबल हो गया कि इसके ऊपर मेरी पहचान हो गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्राइवेट लेबल। जब भी आपने कोई चीज सेल करनी है और उसके ऊपर अपना लोगो लगवा के सेल करना है तो उसे प्राइवेट लेबल कहते हैं, ठीक है। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर पीएल इन यूएई, ठीक है। यूए में पीएल करने के लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर डूइंग पीएल इन यूएई यू नीड टू हैव 10,000 एडी फॉर प्रोडक्ट। अब इसमें मैं एक से दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा। जब मोस्टली लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं कि डू आई नीड लेसन्स, ट्रेड लेसन्स, ई कॉमर्स लेसन्स टू सेल ऑन Amazon इन यूएई, तो आगे आंसर आता है यस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब भाई मुझे पहले 6,000 दिरहम का लेसन्स लेना है, उसके बाद फिर मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है 9,000 दिरहम का, उसके बाद 10,000 दिरहम प्रोडक्ट का, तो ये टोटल 25,000 दिरहम बन जाता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, आप विदाउट ट्रेड लेसन्स, विदाउट ई कॉमर्स लेसन्स भी Amazon पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ आपकी एमिरेट्स आईडी चाहिए होगी, अगर जो पाकिस्तान से हैं उनको सिर्फ उनकी आईडी कार्ड जो होता है नेशनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट चाहिए होगा, तो उस पे और एक बैंक अकाउंट और उसकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो उस पे आप यूएई में अकाउंट, यूएई का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है आप इंडिविजुअल अकाउंट पे भी प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल और जो प्रोफेशनल का है डिफरेंस वो भी हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ Amazon अकाउंट्स आर, ठीक है। Amazon अकाउंट्स की टाइप्स कितनी है, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन Amazon, Amazon पे दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं एक हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं Amazon.ae को, ठीक है, लेकिन चीजें सेम है, .com पे भी जाएंगे चीजें सेम है, .uk पे भी जाएंगे चीजें सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, मार्केट प्लेस सेम है, सिर्फ उसके क्राइटेरिया थोड़े से चेंज होते हैं, थोड़े रूल एंड रेगुलेशन चेंज है, ठीक है ना। तो आपने इस चीज से नहीं घबराना, अगर आप इन फ्यूचर आप यूके यूएसए में भी काम करना चाह रहे हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ बिजनेस ओनर, तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, चीजें सेम है, आपको आइडिया होगा, जस्ट उसकी क्राइटेरिया पे शिफ्ट हो और आप कर सकते हैं वहां पे भी, ठीक है। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन Amazon, ठीक है, पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये दो किस्म के अकाउंट्स हैं। व्हाट इज इंडिविजुअल अकाउंट ऑन Amazon, Amazon पे इंडिविजुअल अकाउंट क्या है। द इंडिविजुअल सेलिंग प्लान इज फॉर सेलर हु डू नॉट नीड एक्सेस टू इन्वेंटरी टूल्स एंड रिपोर्ट्स फॉर वॉल्यूम सेलिंग। इन सिंपल वर्ड्स में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल अकाउंट जो है आप एमिरेट्स आईडी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और एक बैंक स्टेटमेंट हो आपके पास, आप क्रिएट कर सकते हैं, यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब जो यूके और यूएसए में है उसमें ये चीज लागू होती है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो उसमें क्या होता है आप लिमिटेड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप कितनी 39 या 40 लिस्टिंग करेंगे और उसके बाद आपको $500 पर मंथ रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। इससे ज्यादा आपने अगर बिजनेस को स्केल अप करना है तो आपको वहां पे यूएसए में LLC और यूके में LTD रजिस्टर करवानी पड़ती है, ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो नून है वो होम मेड वेबसाइट है, ठीक है, मतलब उनकी अपनी वेबसाइट है यूएई की, GCC की, ठीक है, जैसे कि USA में भी चल रही है, इजिप्ट में भी चल रही है, उनकी होम मेड वेबसाइट है नून, जो Amazon है उसको कम्पीट करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसने अभी सेलर को ये बहुत सारे एडवांटेज दिए हुए हैं कि आप इंडिविजुअल अकाउंट, एमिरेट्स आईडी लाएं, बैंक स्टेटमेंट लाएं, उस पर अकाउंट बना लें और सेल करना स्टार्ट करें, ठीक है। कोई लिमिट, लिस्टिंग की लिमिट नहीं है, कोई आपकी अर्निंग की लिमिट नहीं है। हाँ, जब आपका 375,000 दिरहम पर एनुअल, मतलब आप सालाना 375,000 दिरहम कमा रहे होंगे,
उसके बाद जाके आपको वैट रजिस्टर करवाना पड़ता है। वो वैट कितना होता है? 5% होता है, ठीक है। ओवरऑल जो यूएई में अभी वैट चल रहा है वो 5% है, ठीक है। सब चीजों पर जो टैक्स होता है 5% होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल अकाउंट, अगर आपको समझ आ गई तो, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट वी नीड टू क्रिएट इंडिविजुअल अकाउंट इन यूएई। इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? फॉर क्रिएटिंग इंडिविजुअल अकाउंट इन यूएई यू नीड दीज थिंग्स। सबसे पहले आता है एमरेट्स आईडी, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक अकाउंट, और उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसमें आप बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सीवा बिल जो होता है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, एक फोन नंबर होना चाहिए, ठीक है, यूएई का। व्हाट इज प्रोफेशनल अकाउंट ऑन अमेज़न, ठीक है। अब हमने इंडिविजुअल अकाउंट पढ़ लिया, उसमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आता है व्हाट इज प्रोफेशनल अकाउंट ऑन अमेज़न। अमेज़न पे प्रोफेशनल अकाउंट क्या है? द प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट, द प्रोफेशनल सेलिंग प्लान gives you access to inventory tools to upload batch files and manage your order through feeds and reports. These tools are beneficial to most medium to large size businesses. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें आपको एक कंपनी चाहिए होती है, ठीक है। अभी वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बेनिफिट्स को जो मिलते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको यहाँ पे हम देखेंगे फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल अकाउंट इन यूएई यू नीड दीज थिंग, ठीक है। एलएलसी आपके पास होनी चाहिए। एलएलसी क्या होती है? लेबल लिमिटेड कंपनी, आपकी एक मतलब आपका जो बिजनेस है उसकी पहचान होती है, किस चीज का बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कंपनी के नाम पे ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए उसी कंपनी के नाम की, ठीक है। उसके बाद बिजनेस ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो आपका बिजनेस का नेम है उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, बिजनेस का फोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको चाहिए प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एक चीज क्रिएट डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्लान्स, कि आप अगर प्रोफेशनल पे सेल कर रहे हैं तो उसका आपको क्या एडवांटेज है, और प्रोफेशनल इंडिविजुअल पे सेल कर रहे हैं तो उसका आपको क्या एडवांटेज है, ठीक है। सबसे पहले आता है नो मंथली फीस, ठीक है। उसके बाद आता है मंथली फीस, इसमें भी कोई मंथली फीस नहीं है, इसमें भी कोई मंथली फीस नहीं है, ठीक है। ये दोनों है सेलर और प्रोफेशनल के। अब प्रोफेशनल पे क्या आता है? पर आइटम फी व्हेन इट्स सेल, जब प्रोफेशनल पे आप आइटम सेल करते हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं होती, बट जब इंडिविजुअल पे आप सेल करते हैं तो आपके पास 0.99 डॉलर फीस होती है अमेजोन पे सेल करने की, ठीक है। उसके बाद सारी फैसिलिटीज हमें मोस्टली मिल जाती हैं, जिसके मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बाद में इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, आप यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अमेजोन इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करता है, वो लिस्टिंग अनलिमिटेड लिस्टिंग कर सकता है, ठीक है, उस पर एड चला सकता है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है, ठीक है, सब कुछ कर सकता है, मैनेज ऑर्डर कर सकता है। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल अकाउंट। जब आप प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करते हैं, बाकी सारी चीजें तो आप कर ही सकते हैं इंडिविजुअल वाली, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती हैं उनमें आपको 2 से 3 चीजें मिलती हैं कि आप ब्रांड का एक स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसके ब्रांड के एड रन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ लिस्टिंग में आपको जो है एक ब्रांड एनालिटिक्स शीट मिल जाती है, इसमें ओवरऑल एक अमेजोन के जो ब्रांड पड़े हैं उनके एक रिकॉर्ड मिल जाता है आपको, ताकि उसमें आप अपना मतलब अपने ब्रांड को और ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको पता चल जाता है इस ब्रांड की इस साल इतनी सेल हुई है, इस मंथ इतनी सेल हुई है, तो उसको कहते हैं ब्रांड एनालिटिक्स शीट, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट में मिल जाती है, इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं मिलती, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है, जब आप स्टार्ट करें तो आपको ये चीजें नहीं चाहिए होंगी, ठीक है। आप इंडिविजुअल पे मतलब किसी खौफ के आप सेल कर सकते हैं जितना मर्जी चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रोफेशनल अकाउंट हमने पढ़ लिया। अब आते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के फायदे क्या हैं? हम अगर प्राइवेट लेबल करते हैं तो उसके हमें फायदे क्या होंगे, ठीक है। क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, 10,000 दिरहम है, ठीक है, 15,000 दिरहम है, इतनी हम इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं तो हमें फायदा क्या होगा, ठीक है। अभी मीटिंग का टाइम जो लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो ये मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करूंगा, आपने फॉरन से ज्वाइन कर लेना, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है यू आर गोइंग टू बिल्ड योर ओन ब्रांड, आप एक अपना ब्रांड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यू कैन मोर इजिली डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स दैट लुक सिमिलर, ठीक है। मतलब आपके जैसा कोई और प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है तो उससे आप डिफरेंट लगेंगे, ठीक है। मतलब दोनों चीजें सेम है, एक बॉटल आप सेल कर रहे हैं वो डिफरेंट होगी, आपकी डिफरेंट होगी, उसके ऊपर और लोग होगा, आपके ऊपर और लोग होगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर और लोग होगा, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेरी चीज है, ठीक है।
उसके बाद आता है योर बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स विल बी मोर इजीली आइडेंटिफाइएबल टू बायर्स, ठीक है, बायर को मोस्टली जो है आइडेंटिफाई कर सकेंगे यार ये उस ब्रांड के, जैसे अभी हम अगर कोई कपड़े लेने जा रहे हैं या क्लोथिस कुछ भी, हम कहते हैं यार अंडर आर्मर के लेने हैं, एडिडास के लेने हैं, ठीक है, तो इस तरह करके लोग जो है आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यू कैन बिल्ड अ लॉयल फॉलोइंग, ठीक है, इन अ होलसेल मॉडल द सेलर परचेज प्रोडक्ट इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड एट अ होलसेल प्राइस एंड देन मेक्स अ प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन Amazon। अब होलसेल में क्या है, मोस्टली लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जो कि यूके और यूएसए में सेल कर रहे हैं और यहाँ पे यूए में आते हैं, तो उनकी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। असल बेसिकली होलसेल का मकसद क्या है कि हम किसी से प्रोडक्ट उसका लेते हैं और उसके बाद उसको आगे प्रॉफिट पे सेल करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने, मेरा एक ब्रांड है और आपने मेरा प्रोडक्ट सेल करना है, वो उसका प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट भी मैं इसको सेल करूँ, तो आप क्या करेंगे, एक प्रॉपर तरीका होता है, आप उसको एसएम कॉपी करके अपने सेलर सेंटर में पुट करेंगे, उसके बाद आएगा अप्लाई टू सेल का ऑप्शन, ठीक है। अप्लाई टू सेल में आप क्या करेंगे, मुझे एक ऑथराइजेशन, मेरे से लेटर मांगेंगे, ठीक है, मुझे एक रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन होती है जो अमेजोन के थ्रू, वो आप भेजेंगे, उसके बाद मैं देखूंगा कि हाँ ये कितनी प्राइस में लेना चाह रहा है, मेरे से कितनी बल्क में क्वांटिटी परचेज करेगा और आगे किस प्राइस में सेल करेगा, क्योंकि मैं ब्रांड ओनर हूँ तो मैं देखूंगा ये चीजें, ठीक है। अगर मेरी प्राइस तो आप खराब नहीं कर रहे, आप किस प्राइस में सेल करोगे, ये सारी चीजें वो देखते हैं। ये होता है यूके और यूएसए में, जबकि यूएई में कुछ अलग सीन है। मतलब यूएई में क्या है कि आपने ब्रांड मोस्टली यहाँ पे आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है, जब तक आपकी एलएलसी नहीं होगी, ठीक है, आपकी वेबसाइट नहीं होगी तो ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है, तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा हो जाता है। अगर इतना हमने खर्चा करना है ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए, तो हम अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा के अपना प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हम जाते हैं जेनेरिक्स में। अब जेनेरिक्स क्या होते हैं, जेनेरिक्स वो होते हैं जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, ठीक है, मतलब वो ऐसे ही सेल कर रहे होते हैं, कोई मार्केट से लेके, कोई चाइना से लेके, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जेनेरिक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूएई में चाइना से लेके यहाँ पे विदाउट लेबल अपना ऊपर जो हमारा लोगो होता है उस पर सेल करते हैं, उसको जेनेरिक में करते हैं। तो यहाँ पे होलसेल का मोस्टली काम जेनेरिक्स में हो रहा है, 60-70% जेनेरिक है, 40% जो है रजिस्टर्ड ब्रांड बैठे हैं। नो डाउट आपको क्या नाम ब्रांड अप्रूवल मिल जाती है, मगर थोड़ी सी मुश्किल है देन यूके और यूएसए मार्केट, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर होलसेल, होलसेल के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी, ठीक है। ये मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर मैं कितने से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप 1,000 dirham से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन पाकिस्तानी रुपीज ये आपका 60,000 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 1,000 dirham से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट आपने हैंड किया, सप्लायर्स के नंबर हम आपको देंगे, आप लोकल मार्केट में जाएंगे, 1,000 rupees की 1,000 dirham की इन्वेंट्री आप परचेज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको FBA करें, FBM करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है, और उसको सेल करेंगे लिस्टिंग करके, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ होलसेल, होलसेल के क्या फायदे हैं, ठीक है। वर्क विद एस्टैब्लिश ब्रांड, ठीक है, हमने जो पहले से ब्रांड बैठे होते हैं उनके साथ एस्टैब्लिश काम करना होता है, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश होते हैं और हमने उनकी प्रोडक्ट को सेल करना होता है, तो मतलब हमारे पास सेल जल्दी आती है, ठीक है। बेटर कंट्रोल ऑफ प्राइस, अब प्राइस का बेटर कंट्रोल होता है, ठीक है, क्योंकि हम ना उसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं ना ज्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ब्रांड हमें बताता है कि यार इतने में आपने सेल करना है, तो हम उसी में ही सेल करते हैं, उसमें हमारा 10%, 20%, 30% जो भी होता है उसी में हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है। ईजी टू स्केल अप, कि स्केल जल्दी होता है क्योंकि ब्रांड ऑलरेडी वो चीज सेल कर रहा होता है, तो आपको उसको स्केल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इजिली आपकी सेल आ जाती है। लोअर रिस्क, ठीक है। अब प्राइवेट लेबल में और इसमें फर्क है, प्राइवेट लेबल की जो दूसरी मार्केट में सक्सेस रेशियो है वो 50% है, जबकि यूएई में केएसए में प्राइवेट लेबल की जो सक्सेस रेशियो है वो 80% है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं विदाउट एनी मतलब विदाउट एनी टेंशन, पर ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क कम है प्राइवेट लेबल में भी होलसेल में भी, जब आप होलसेल करेंगे तब तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, मतलब आपको रिस्क होगा ही नहीं कि यार ये मैं एक एस्टैब्लिश ब्रांड से ले रहा हूँ और इसको आगे सेल कर दूंगा तो मुझे कोई मसला नहीं। बट उसको सेल करने की आपको एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, जब ऑथराइजेशन लेटर नहीं होगा आपके पास तो फिर आपको ब्रांड की लिस्टिंग को मीट करेंगे या अपनी लिस्टिंग में क्रिएट करेंगे उसे, तो आपको आईपी क्लेम देगा। अब आईपी क्लेम जो होता है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंप्लायंस में क्या होता है कैसे आता है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जिस्टिंग कस्टमर फॉलोइंग, अब ब्रांड ऑलरेडी सेल जो कर रहा है तो उसके डेफिनेटली कस्टमर तो होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू में ऊद एक परफ्यूम है, ठीक है, वो ऑलरेडी सेल हो रहा है, डेफिनेटली उसके कस्टमर है। अगर आप ऊद वालों को अप्रोच करते हैं कि जी मैं आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे हमसे ना 100 यूनिट्स इकट्ठे लो और हम आपको देंगे
फॉर एग्जाम्पल वो अमेजोन पर सेल कर रहे हैं 70 का और आपको कहेंगे कि हमसे इकट्ठे 50 यूनिट्स लें आप, हम आपको 40 या 50 दिरहम में दे देंगे, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से। तो आप ले देते हैं और वहां से 10 दिरहम आपकी अमेजोन की फीस लगती है और उसके बाद 10 दिरहम आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 60-65 में आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। उनकी ऑलरेडी कस्टमर फॉलोइंग भी होगी क्योंकि ऑलरेडी लोग उनका परफ्यूम बहुत शौक से परचेज करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह क्या है, उनके एक्सिस्टिंग फॉलोअर जो आपको फायदा देते हैं। उसके बाद आता है हमारा मोर एफिशिएंट मेथड। ये एक अच्छा तरीका है देन ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, इजी टू स्केल है, सारे इसमें बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं और ये अच्छा तरीका है प्राइवेट लेबल से भी और ड्रॉप शिपिंग से भी, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज गेटिंग कैटेगरी। सच कैटेगरी विच रिक्वायर्ड अप्रूवल बिफोर सेलिंग देम ऑन अमेज़न आर कॉल्ड गेटेड कैटेगरी, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी कैटेगरी हैं अमेजोन पे जिनके ऊपर आपको सेल करने के लिए अमेजोन से पहले परमिशन चाहिए होती है। बेशक प्रोडक्ट आपका अपना है, किसी ब्रांड का है, नो इशू, लेकिन उसको सेल करने से पहले, उसको लिस्ट करने से पहले अमेजोन से आपको अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है। और अप्रूवल जो है वो आपको कैसे मिल सकती है, वो आप सेल अप्लाई टू सेल करेंगे अमेजोन से, वो आपको अप्रूवल देगा, पहले उसको प्रोडक्ट को चेक करेगा, उसके बाद आपको अलाउ कर देगा, ठीक है। व्हाट आर गेटेड कैटेगरीज, ठीक है। गेटेड कैटेगरीज क्या है, उसमें सबसे पहले आता है ग्रोसरी, बुक्स, बेबी फूड्स एंड फार्मूला, पेट फूड्स, उसके बाद डायट्री सप्लीमेंट्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, विटामिंस एंड मिनरल्स। इसमें मोस्टली चीज़ें हेल्थ के रिलेटेड हैं। बुक्स क्या है, बुक्स के जैसे आथर होते हैं, राइटर होते हैं, उनका कोई कॉपी ना कर ले, ठीक है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इस पे, आईपी क्लेम आ जाता है। बेबी फूड एंड फार्मूला है कि उसमें क्या चीज़ जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं ताकि अगर वो बेबी खाएगा तो उसको कोई इशू तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पेट फूड है, पेट फूड के लिए भी सेम ही है। उसके बाद सप्लीमेंट्स हैं, अगर कोई बंदा लेता है उसको कोई इशू तो नहीं होगा। आपके पास सर्टिफिकेट है जो हेल्थ अथॉरिटी का होता है, आई थिंक वो है आपके पास, तो वो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी सब आपको अनम्यूट करता हूँ, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले गैबी सोशल मीडिया जी, आप क्वेश्चन पूछें अगर कोई है तो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं 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 सर, कोई नहीं है। अच्छा हसन यासीन भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा उसके बाद आता है मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर भाई, आपको कोई क्वेश्चन? मोहम्मद अनवर सर समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है, नहीं है कोई क्वेश्चन अभी तक। जी जी सलीम भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? पूछिए। नहीं सर, ठीक है, ठीक जा रहा है फिलहाल तो। सही है, माशाल्लाह, ठीक है। यूसुफ भाई, आपका कोई क्वेश्चन? जाबिर भाई, मुझे ये नहीं समझ आया, आपने बीच में एक बताया, एक FBA का बताया और एक और आपने बताया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये इन दोनों मार्केट में? FBA और FBM होता है, वो होता है फुलफिलमेंट मेथड। जी, FBA और FBM। हाँ, वो फुलफिलमेंट मेथड होता है कि वो एक बात का हमारा एक टॉपिक है, उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो आपके एक डिलीवरी, आप उसे इजी वर्ड्स में डिलीवरी मेथड कह सकते हैं। आपने किसके थ्रू डिलीवर करवाना है, प्रोडक्ट आपके पास है, अब आप अमेजोन के थ्रू डिलीवर करवाएंगे तो FBA में जाएगा, फुलफिलमेंट बाई अमेजोन। और उसके बाद होता है FBM कि फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट, ठीक है, जो खरीदार होता है वो खुद डिलीवर करता है, उसे जिसके पास वो प्रोडक्ट होता है वो खुद डिलीवर करता है। तो ये दो डिलीवरी मेथड है, आप इसको फुलफिलमेंट मेथड कह सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी मेथड में हम FBM तो यहाँ नहीं यूज कर सके हैं ना पाकिस्तान में? नहीं कर सकते हैं, अगर आप 3PL सर्विस लेंगे तो आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, बट रिकमेंडेड जो है, आपने बीच में एक बात की थी ना, आपने बीच में एक बात की थी कि Amazon जो है ना वो मतलब प्रोडक्ट को वेरीफाई करता है पहले, देन कस्टमर को भिजवाता है। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से भिजवाते हैं तो वो Amazon वाले कैसे वेरीफाई करेंगे? नहीं, मैंने ये कहा था कि वेरीफाई से मुराद पहले आपको अप्रूवल चाहिए होती है सेल करने के लिए, ठीक है, पहली दफा ही होता है उसमें आपको कुछ नहीं, प्रोडक्ट आपको अमेज़न के वेयरहाउस नहीं भेजना होता, सिर्फ आपको वो एसन जो आपने लिस्ट किया हुआ है या आप जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसका एसन नंबर आप अमेज़न को सेंड करेंगे, अमेज़न उसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन देख के आपको वेरीफाई कर देगा हाँ ये प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहे अमेज़न के वेयरहाउस भेजें, आप किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को देता है 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के थ्रू आप उसको फुलफिल करवाएं, जो मर्जी करें, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा जी, तो ये UAE के
मतलब रूल्स हैं या फिर दूसरे मुल्कों में भी ऐसे, यूके यूएसए में भी ऐसे सेम, ही है? यूके में भी यूएसए में भी सेम है कि अगर, वैसे उनमें इंडिविजुअल अकाउंट पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि आप वहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट पे ज्यादा सेल नहीं कर सकते, जो भी वहाँ पे अगर सेल करना चाहे वो एलटीडी या एलएलसी बनवाता है, ठीक है। जैसे अभी पाकिस्तान में पीवीटी होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो सेम इसी तरह होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं अभी। अच्छा जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अच्छा सेशन लेके चल रहे हैं आप। मेरा क्वेश्चन था, आपने जेनरिक मेंशन करा था होलसेल में, ठीक है सर। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अमेज़न की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें जेनरिक लिखा होता है प्रोडक्ट, वो एक प्रोडक्ट डिस्प्ले पे होती है, ठीक है सर। अब होता ये है कि जब वो प्रोडक्ट हम ऑब्वियसली अगर हमने उसको मीट टू करना है तो वो प्रोडक्ट जो है ज़ाहिर उस पे जो डिस्प्ले हुआ है, हमें एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि हम वो प्रोडक्ट, हमें चूंकि वो जेनरिक है तो ज़ाहिर वो हम किसी ब्रांड से तो ले नहीं सकते क्योंकि जेनरिक है, तो ज़ाहिर वो चाइना से किसी ने सोर्स करी हुई होगी या एक्स वाई जेड कहीं से भी। तो हमें अगर वही प्रोडक्ट बेचनी हो तो हम सोर्स कहाँ से करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेम प्रोडक्ट है? मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ना क्वालिटी का और उसका जो लुक 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 और फील होती है उस प्रोडक्ट की, डिजाइन वगैरह की, तो उसमें थोड़ा सा सर क्लैरिटी दें प्लीज। हाँ बिल्कुल, देखें जेनेरिक का मतलब होता है कि इसका कोई ब्रांड नहीं है, ये कोई जैसे आपने कहा एक्स वाई जेड से कहीं से चाइना से या लोकल सोर्सिंग से लेके सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एयरबड्स हैं, ठीक है। अब एयरबड्स मैं सेल कर रहा हूँ, मोस्टली क्या होता है, हमने देखा एयर प्रो भी हैं एयरबड्स जो आईफोन के होते हैं, ठीक है, वो भी होते हैं, उसके बाद लिनोवो के भी हैं, सैमसंग के भी हैं, हर ब्रांड के, ठीक है। अब उनके साथ हम मीटू नहीं कर सकते। अब मैंने अगर चाइना से लेके एक प्रोडक्ट को, वही एयरबड्स हैं, ठीक है, अच्छे हैं सारा कुछ उनके पास और उनमें स्पेसिफिकेशन भी ज़्यादा हैं बेशक लिनोवो वालों से जो भी है, वो अच्छे हैं, लेकिन मैंने ऊपर जेनेरिक लिखा हुआ है तो लोग भाग के आएंगे। डेली बेसिस पे लाखों लोग, हजारों लोग सर्च कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भाग के आएंगे, आपकी एक से दो दिन के अंदर आपकी लिस्टिंग हाईजैक हो जाएगी, ठीक है। तो जेनेरिक में जो है वो मीटू करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट ढूंढना है तो आप कहाँ से ढूंढेंगे, यही क्वेश्चन था आपका? जी सर, असल में जाहिर भाई मेरा क्वेश्चन असल में ये है और सबके लिए ही है कि अब ऐसा हुआ कि जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ कि जैसे मैं एक प्रोडक्ट है डिस्प्ले पे, किचन की एक प्रोडक्ट है, ठीक है सर, और उस किचन की प्रोडक्ट लेट्स से कि वो एक खास किस्म का स्पॉन्ज है, ठीक है, जो होल्डर है, ठीक है, और वो होल्डर जो है लुक में तो एक जनरली ऐसा लग रहा है कि यार ये ग्रीन रंग का उसने डिस्प्ले करा हुआ है, ठीक है, और सिमिलर प्रोडक्ट आपको मार्केट से मिल रही है, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये जो उसने, जाहिर है जो भी प्रोडक्ट मुझे नहीं पता कि जाहिर है जनरिक है तो उसने भी कहीं से सोर्स करी होगी प्रोडक्ट, चाइना से करी हो, यहाँ से करी हो, कहीं से भी। तो सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे अगर उसने ग्रीन लगाया हुआ है और मैं उठा के उसी में कलर चेंज करके या सिमिलर उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट लगा के भी सेल कर सकता हूँ, मीटू में कर रहा हूँ, तो मेरा कहना मतलब ये कि मुझे आइडिया तो नहीं है कि वो सिमिलर प्रोडक्ट तो होगी वो, लेकिन वो बिल्कुल सेम तो नहीं होगी, तो इस सूरत में क्या मैं सेल कर सकता हूँ, मतलब वो सेम प्रोडक्ट है? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा मुझे समझ आ गया आपको क्वेश्चन। देखें एक बंदा, आपने जैसे कहा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है जेनेरिक में सेल कर रहा है, अब आपने भी अगर उसी जैसे करनी है, आपके पास वो प्रोडक्ट है सेम वैसी है तो परफेक्ट है, ठीक है, मतलब वो आप उसके साथ मीटू कर सकते हैं क्योंकि वो जेनेरिक में है, आप उसका ऐसा कॉपी करेंगे, अपने सेलर सेंटर में जाएंगे लिस्ट करके उसको मीटू कर देंगे। अब मीटू में क्या होता है, एक होती है अपनी लिस्टिंग की तीन तरह की टाइप्स होती हैं, ऑलरेडी लिस्टेड, न्यू लिस्टेड और एक होता है वीआर अपलोड। तो हमने क्या यहाँ पे देखना है, मीटू वाली लिस्टिंग। अब मीटू के लिए सिर्फ हमें एसन चाहिए होता है, जो लिस्टिंग हम कर रहे होते हैं, जो मतलब जो प्रोडक्ट हम सेल करना है हमने और हमारे पास है और ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रहा है, उसका सिर्फ हमें एसन चाहिए होता है, ठीक है। एसन को हम अपने सेलर सेंटर में पेस्ट करते हैं और हमारी जो मीटू है उसके साथ मिल जाती है। अब लिस्टिंग पे वही चीज़ शो हो रही होती है जो उस बंदे ने पहले लिस्टिंग की हुई है, इमेज भी वही, सारा कुछ वही। अब अगर हमारा प्रोडक्ट जो है उससे डिफरेंस है, मतलब हमारे प्रोडक्ट में थोड़ा कलर का है या साइज का थोड़ा डिफरेंस है उससे, तो होगा क्या, कस्टमर ऑर्डर कर लेगा, देखेगा कि यार ये बंदा जो है, फॉर एग्जाम्पल वो 30 की सेल कर रहा था, आपने उसको 28 कर दिया, तो जो बंदा आएगा वो कस्टमर आएगा वो आपके मतलब रजिस्टरिंग से परचेज कर लेगा, ठीक है। जब उसके पास प्रोडक्ट आप डिलीवर भी कर देंगे, ठीक है, जब उसको प्रोडक्ट रिसीव होगा वो देखेगा कि यार ये तो क्या नाम है, मैंने कुछ और ऑर्डर किया था, ये कुछ और है, तो वो आपको एक क्लेम देगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट का इशू आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो भी एक अकाउंट हेल्थ में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हेल्थ हमें मेंटेन करनी पड़ती है अकाउंट की, ठीक है। तो उसमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट आता है, मतलब वो कहेगा कि यार मैंने कुछ ऑर्डर किया, यहाँ पे कुछ आया, इसमें डिफेक्ट है कुछ, ठीक है।
तो वो क्या होगा, आपको अमेजोन आपके अकाउंट की हेल्थ को खराब कर देगा, तो वो आपको डीएक्टिवेशन की तरफ लीड करेगी। तो बेसिकली आपने मीटू उसी लिस्टिंग से करना है जिसका प्रोडक्ट आप जिस तरह का सोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ एयरबड्स हैं, तो वो मैंने सेम वैसे ही चाइना से मुझे मिले, यूए की लोकल मार्केट से मिले हैं, मुझे यूए की वेबसाइट से मिले, कैरीफोर से मिले, मुझे उसके बाद जो भी लोकल वेबसाइट्स हैं उनसे मिले, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्राई है, ट्रेडलिंक है, ड्रैगन मार्ट है, जहां से भी मिले कोशिश करूंगा कि सेम चीज हो और उसके प्राइस कम हो ताकि मुझे उसमें प्रॉफिट मार्जिन हो, तब मैं उसके साथ जाके मीटू करूंगा और उसके सेल करूंगा। और जब एक हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने मार्केट को कम्पीट करना है दो चीजों से आप कर सकते हैं, एक क्वालिटी और उसके बाद एक होता है प्राइस। जब आपकी प्राइस कम होगी और कस्टमर की तरफ से आपको गुड रिस्पॉन्स, अच्छा फीडबैक आएगा, तो तब आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है अजय सर, ये आपने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज ये पूछनी थी जारवे, जो कि बहुत क्रिटिकल चीज है, वो ये कि जब हम कोई चीज उस पे दिखते हैं प्रोडक्ट, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ यार एक प्रोडक्ट देखनी हो, मैंने कुछ प्रोडक्ट जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली जी। अब आपका आपका एक्सपीरियंस और उससे ज़रा एक्सपर्टीज क्या कहती है कि क्योंकि ज़ाहिर है मुझे पेज पे उसकी क्वालिटी तो मुझे पता नहीं चलेगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट उसने लगाई हुई है और वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट लगाई हुई है, लेकिन वो एक्चुअल में बी क्वालिटी प्रोडक्ट या सी क्वालिटी प्रोडक्ट वो भी सेल कर रहा हूँ, तो मुझे किस तरह से पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो जो प्रोडक्ट बिक रही है उससे बेहतर, उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं वो एक एक ऑर्डर करके देख लूँ उसकी उसकी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, और अकॉर्डिंगली मैं फिर ऑर्डर प्लेस करूँ। आप समझ रहे हैं सर मैं क्या कह रहा हूँ, क्वालिटी मैं किस तरह से मेंटेन करूंगा? मैं समझ रहा हूँ। अच्छा बेसिकली देखें, जब आप एक कंपेटिटर सेलेक्ट करते हैं, अब कंपेटिटर क्या होता है, कंपेटिटर वो होता है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कंपेटिटर वो होता है जिसकी प्रोडक्ट हम उसके साथ के प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एयरबड सेल कर रहा है, तो मैं भी एयरबड सेल कर रहा हूँ उसी को देख के, तो वो जिसको देख के मैं सेल कर रहा हूँ ना, वो हमारा कंपेटिटर होगा। अब कंपेटिटर का जो एनालिसिस है वो क्या है, उसमें क्या होता है एनालिसिस में, कि हमने देखना है कि इसकी प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, रेटिंग क्या है, सेल कर रहा है, उसके बाद इसके रिव्यूज कितने हैं। अब आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मैंने चेक करनी है, तो पहला जो तरीका है जो हम हंटिंग में यूज करते हैं, वो हम उनके कस्टमर के रिव्यूज पढ़ते हैं, कस्टमर के फीडबैक पढ़ते हैं। अब हमने रिसेंट फीडबैक में गए, ठीक है, हमने देखा कि आप इसका जो है, अच्छा लेट मी चेक यू मेमोरी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी वन मिनट ताकि ये प्रैक्टिकल हो जाए, ठीक है जी। अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है जी सर? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आता हूँ बेस्ट सेलर में। सबसे पहले आपने बेस्ट सेलर में जाना है, ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार मुझे ना ये वाला प्रोडक्ट जो है अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं इसको हंटिंग अपने करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपने आना है, अब आपको कैसे पता चलेगा अच्छा सेल हो रहा है, यहाँ से आपने रेटिंग देखनी, वो हम क्राइटेरियाज अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोडक्ट हंटिंग में, वो हमारा टोटली मैनुअल होगा, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली होगा। आज तो कुछ हमारी प्रेजेंटेशन टाइप थी और थ्योरी थी, तो कल इंशाल्लाह हम जो जो इंपॉर्टेंट है ना हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। अभी ये देखें, लेट मी साइन इन हेलियम 10 ताकि अच्छे रिजल्ट आ सके, ठीक है, ओके। सो बेसिकली मैं सबसे पहले इसकी रेटिंग चेक करूंगा, ठीक है, अभी एक्सटेंशन रन हो रही है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक यहाँ पे रन हो रही है, दूसरी भी यहाँ पे रन होगी, और हीलियम 10 भी यहाँ पे रन होगी, ठीक है, ये मेरे पास एक्सटेंशन है हीलियम 10, और उसके बाद सेलेक्ट सप्राइट ओएस एड ऑन, ये सारी शॉपिंग सिस्टम मेरे पास एक्सटेंशन है, ठीक है। अच्छा तो अब मैंने देखना है इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। पहले इमेज में तो यार एक मतलब एक लो क्वालिटी की प्रोडक्ट भी हो तो उसको हम जब प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करवाते हैं तो वो अच्छी बन जाती है, ठीक है, और मोस्टली इमेज जो है प्रोडक्ट जो है हमें इमेज से नजर आ जाते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अब यहाँ पे इमेज में अगर देखें तो उसने कुछ क्रिएटिविटी की हुई है इमेज में, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा नहीं कम ही की हुई है, यहाँ पे एक इमेज में क्रिएटिविटी नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा तो उसने क्या किया, इमेज तो उसने अच्छी लगाई है क्योंकि वो ब्रांड बैठा है। अब इसके पास नीचे देखें, उसके पास वेरिएशन बहुत ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 3, 6, 8 और 25, 26 वेरिएशन है ऑलमोस्ट, उसके बाद कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसके देखना चाहूंगा कि मुझे कैसे पता चलेगा इसकी क्वालिटी कैसी है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा रेटिंग पे, ठीक है। अब रेटिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसकी रेटिंग खुल जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊंगा टॉप रिव्यूज के क्लिक करके मोस्ट रिसेंट में जाऊंगा। अब ये देखें, फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मोस्ट रिसेंट, जो लेटेस्ट होंगे, ठीक है। उसके पास सबसे आता है क्वालिटी इज ग्रेट, डिलीवर्ड ऑन टाइम, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे दूसरा देख लेंगे, इसने 5 स्टार दिए हैं, इसने 1 स्टार दिया, वेरी बैड आइटम, लॉस्ट माई कैश, ठीक है। उसके बाद आता है पुअर क्वालिटी, नॉट लाइक फोटो, ठीक है, गुड क्वालिटी एज कंपेयर टू प्राइस, ये इसने 5 स्टार दिए हैं, ठीक है। आर यू चीटिंग योर कस्टमर, ठीक है, मतलब ये वो कह रहे हैं 1 स्टार दिया, उसमें आई रिसीव ओनली विद एम्प्टी बॉक्स ऑफ वॉलेट,
ठीक है। उसके बाद आता है चीप क्वालिटी, आई फॉल आई लव, ठीक है, एक्सीलेंट क्वालिटी। अब क्या होता है, मोस्टली लोग इसकी वीवीआरओ करवा रहे होते हैं। अब देखें ब्रांड बिल्ड होके बैठा है यहाँ पे, उसके रेटिंग जो आप चेक कर सकते हैं कि उसकी 7000 रेटिंग है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि 7000 रेटिंग ऐसे नहीं आ जाती, 7000 रेटिंग का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 7000 मतलब 7000 रेटिंग का मतलब कितना होता है कि उसने कितनी प्रोडक्ट सेल की है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा 6873 मल्टीप्लाई बाय मैं 50 करूंगा, इसने 343,000 प्रोडक्ट जो हमारी एस्टिमेट आ रही है ना वो सेल की है इसने, ठीक है, इतने यूनिट्स इसने सेल की है ओवरऑल इस वेरिएशन में, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ कि ये कब से सेल कर रहा है, ये आप इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, 442 डेज से मतलब, ठीक है। तो मंथ का अगर हम इसको बनाएंगे तो ये तकरीबन बनेंगे 12 से 14 मंथ बनेंगे, ठीक है। इसको तकसीम 14 करूंगा मैं, ठीक है, तकसीम 14 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 30 करूंगा तो मेरे पास मंथली इसके आ जाएंगे यूनिट्स इतने सेल कर रहे, तो मंथली तकरीबन 1000 यूनिट्स इसके आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इतनी सेल कर रहा है तो उसमें 2-4 नेगेटिव, लेकिन हमने अभी यहाँ देखा लिस्टिंग में इनके मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज हैं, ऊपर जो हमारे टॉप के पड़े हैं, ठीक है। अब ये तो इसने वीवीआरओ करवा सकता है, किसी को देगा पैसे या किसी से पैसे नहीं लेगा, उसे कहेगा मेरे पर मेरे प्रोडक्ट पर रिव्यू दो तो वो दे देगा, ठीक है। क्योंकि जब नेगेटिव रिव्यू आता है तो आपके अकाउंट की हेल्थ का इशू आता है, ठीक है। तो जब आपके पास 2 से 3 नेगेटिव रिव्यूज आए, अब देखें ये एक स्पैन है, 4 एक रिव्यूज का स्पैन है। अब इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है, 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव उसके बाद फिर पॉजिटिव, तो ये 2 को ये 2 कवर कर जाते हैं, ठीक है। तो ये वेरीफाइड परचेज होते हैं, ठीक है, ये वीवीआरओ वेरी वेरी रियल ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब रेटिंग के लिए होता है और उसको ग्रो करने के लिए होता है, अगर नेगेटिव फीडबैक आ जाता है तो हम पॉजिटिव लेके अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने यही चीज सेम की हुई है, तो देखें नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव, लेकिन वो एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, वो अच्छा सेल कर रहा है और उसने ए प्लस कंटेंट किया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इमेज दी हुई है, देखें इमेज के हिसाब से तो भाई परफेक्ट है, जब मैं ऑर्डर करूंगा तो उसके बाद मुझे पता चलेगा। और कुछ जो कस्टमर होते हैं वो वैसे ही होते हैं कि बस कुछ मेरी तरह सिंपल होते हैं कि ऑर्डर किया चल ठीक है हमारा काम कर रहा है ना ठीक है, उसको एक क्या रिव्यू ना दिया या फिर एक दे दिया हाँ जी बस गुड है। तो कुछ ऐसे होते हैं बस उनको मिला वो मतलब यार ये तो मैंने पैसा लगाया ये क्या हो गया मेरे साथ, तो फिर ऐसे गुस्से में दे देते हैं नेगेटिव, ठीक है। अभी कुछ क्लियर है पॉइंट, उसके बाद आप इसको खुद ऑर्डर करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा तरीका ये भी है। अभी क्लियर है जी, थैंक यू सर, वेलकम। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछे जी। जाबिर भाई ये पूछना था कि अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, उसकी क्या रीजन होती है और उसके बाद क्या रिकवर हो सकता है? जी बिल्कुल, अकाउंट के डेफिनेटली कुछ रीजन ही होंगे जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। मोस्टली हम आगे एक अकाउंट जो कंप्लेंस आएंगे कंप्लायंस आएंगे उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ मैं आपको शॉर्ट टर्म बता देता हूँ। उसमें आता है आईपी क्लेम आता है, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं आईपी क्लेम्स होते हैं जो अमेजोन हम पे लगाता है, उसकी वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। अगर हमारा न्यू अकाउंट है तो वो तो गया, मतलब उसके ऊपर एक कंप्लेन आ गई तो वो गया। जब आपका पुराना अकाउंट होता है ना तो उस पर कोई मतलब कंप्लेन आ जाए कुछ भी आ जाए तो वो थोड़ा पहले वेरीफाई करता है अमेजोन कि क्या ये एस्टेब्लिश सेलर है ब्रांड है नहीं है, उसके बाद उसका फैसला करता है, क्योंकि अमेजोन को भी सेलर चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है देखता है पहले न्यू अकाउंट के, अगर आप ऊपर वायलेशन करेंगे तो आपका अकाउंट गया, ठीक है। अभी एक मेरे पास बंदा आया तो उसने मुझे कस्टमर आया, उसने कहा कि सर मुझे ना एक प्रोडक्ट चाहिए ड्रॉप शिपिंग के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या किया उसका प्रोडक्ट हैंड करके दिया। अब वो मुझे कह रहा, मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई आपका अकाउंट, पहले उसने मुझे कहा कि मेरा अकाउंट मैनेज करें। मैंने कहा कौन सा बिजनेस मॉडल करना चाह रहे हैं आप, क्योंकि मैं मोस्टली होलसेल और प्राइवेट लेवल में डील करता था, ठीक है। तो मैंने कहा भाई आप कौन सा मतलब बिजनेस मॉडल करना चाह रहे हैं, कहता ड्रॉप शिपिंग। मैंने कहा सर सॉरी मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं करता मैनेज अकाउंट, हाँ आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग कोई इतनी उसकी मुश्किल नहीं होती, सप्लायर ऑनलाइन ढूंढने होते हैं। मैंने उसको यूएई का सप्लायर विद 50% प्रॉफिट मार्जिन और प्रोडक्ट की डेली की 10 की सेल, उसको मैंने प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। अब मैंने उसको मना भी किया कि न्यू अकाउंट है इस पर नहीं लगाना आपने, पहले आप कोई लिस्टिंग करो उसकी ऐसा से ग्रो करो, उसके बाद इसको लगाना, उसकी थोड़ी सेल लेना, उसके बाद इसको ग्रो करना। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि मैं नहीं कर रहा था, उसने खुद से किया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको 4 ऑर्डर आए उस प्रोडक्ट के एक ही दिन में, और उसने चारों के चारों प्रोसीड कर दिए। जब उसने सप्लायर को पेमेंट कर दी, ठीक है, सप्लायर ने ऑर्डर उसके कस्टमर को शिप कर दिए, उसके बाद उसके अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है। अब वो कैसे हुआ, वो हुआ सेल्स वेलोसिटी की वजह से,
ठीक है, सेल्स वेलोसिटी क्या होती है कि आपका न्यू अकाउंट है और उसके ऊपर आपके आपकी अपनी लिस्टिंग भी नहीं है और आप उसके ऊपर आप डेली आपके 4, 5, 10, 15 ऑर्डर ले रहे हो, तो वो सेल्स वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो अमेजोन क्या करता है, आपसे इन्वाइसेस मांग लेता है। जब आप ब्रांड से अप्रूवल लेके नहीं सेल कर रहे होते या वैसे मीटिंग कर रहे होते और आपके पास इन्वाइसेज ही नहीं होती, तो फिर आपको अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाता है। एक तो होता है सेल वेलोसिटी, दूसरा आता है आईपी क्लेम कि एक ब्रांड बैठा है, उसकी प्रोडक्ट आपने अपने लिस्टिंग कर ली अपने सेलर सेंटर में, उसको सेल कर रहे हैं आप, तो उसके ऊपर आपको क्लेम आएगा। आईपी क्लेम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम, ये किसी और की प्रॉपर्टी है, इसको आप क्यों सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अमेज़न से आपसे इनवॉइस भी मांगेगा और ऑथराइजेशन लेटर भी मांगेगा। अगर आपने दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी तो वो कहेगा ठीक है जी, आप सेल कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है अकाउंट हेल्थ में जो आता है लेट ऑर्डर शिपिंग, ठीक है। ऑर्डर मतलब आप लेट शिप करें, आपने हैंडलिंग टाइम एक दिन का रखा है, 4 दिन के अंदर 4 दिन बाद शिप कर रहे हैं, तो आपको उसकी वजह से अकाउंट के हेल्थ पे इफेक्ट होगा, वो बढ़ती जाएगी। अब उसका टारगेट होता है 4%, ठीक है। तो वो उसके बाद अगर बढ़ती जाएगी तो फिर आपका अकाउंट वहां पे सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ और भी डिटेल में है, लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंप्लायंस सेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का तो पूछे। अच्छा जावेद भाई, एक चीज ये पूछनी थी कि हमारा कोई सेशन होगा रिगार्डिंग, ये सेशन से मुतालिक तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है, आपका आगे कोई क्लास में ये बताएंगे कि जो ट्रेड लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड अगर यूएई में कोई बंदा है और अगर वो लेता है तो उसकी रेगुलेशंस, उसके बारे में भी आपका सेशन होगा? डेफिनेटली उसका सेशन होगा। और हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारे जो क्लासरूम बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, हम उनको क्या सपोर्ट करते हैं, उनको हम एक तो कोर्स एंड हो गया उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको क्लासरूम में बुलाते हैं, ठीक है। उनको बुला के यहाँ पे बिठा के, एक हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें बिठा के उनको बकायदा उनकी प्रैक्टिस लाइव सपोर्ट की जाती है कि वो लिस्टिंग कर रहे होते हैं, वहां जाओ उनको इश्यू आता है सपोर्ट कर दी जाती है। अब ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन भी हम इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जहां पे आपको इशू आएगा हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, कोई इंशाल्लाह आपका डाउट्स बाकी नहीं रहेगा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मेरे पास अपना कंपनी ई कॉमर्स लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस ऑलरेडी बनाया हुआ मैंने, माशाल्लाह 2 साल हो गए। ओके राइट। और मैंने एक फ्लावर वेबसाइट भी बनाई थी वर्ल्ड पे, ठीक है, लेकिन उस पे कोई मतलब ऑर्डर वगैरह नहीं आ रहे हैं। सही। और दूसरी ये बात है कि मैंने अमेज़न पे अकाउंट बनाया था, ठीक है, वो तो एक्टिव ही नहीं हुआ उस पे, वो लग गया है क्या? मेरे ख्याल में पेमेंट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। नहीं, पेमेंट क्या डीएक्टिवेट हो गया या एक्टिव नहीं हुआ? डीएक्टिव हो गया। डीएक्टिवेट हो गया जी। जी ठीक है, आप सेशन के बाद मुझे उनके स्क्रीनशॉट सेंड करें जो अमेज़न की तरफ से आपको ईमेल आई है, ठीक है, उसका भी देखते हैं। हमारे बंदे हैं जो ये अकाउंट मैनेज करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, वो भी हम रीएक्टिवेट करते हैं, तो हम इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे डिस्कस, कोई मसला नहीं। और इसके ऊपर कोई लिस्टिंग की थी, किस वजह से आया, कोई ईमेल वगैरह आपको आईडिया होगा? नहीं, कोई आइटम्स नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं डाला, बस हम अकाउंट बनाया था और सारी डिटेल दी थी, वो अमेज़न का एक कोड आता है, वो भी हमें डिलीवरी हो गया था, ओपन किया, उसके अगले दिन डीएक्टिव हो गया। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, वो एरर में भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और मोस्टली अकाउंट जो है 80% अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाते हैं, डीएक्टिवेट होने के बाद रीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना, आपने ये टेंशन नहीं ले ली। हाँ, अगर आपके पास एक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और विदाउट ब्रांड अप्रूवल कर रहे हैं या कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं, या जो ब्रांड जो स्ट्रिक्टली मना करता है कि मेरी प्रोडक्ट ना लिस्ट करें, मेरे साथ उसके साथ कर रहे हैं, तो फिर और इन्वाइसर भी नहीं देगा आपको इन फ्यूचर में, तो फिर आपका अकाउंट जो एक्टिवेट नहीं हो सकता। वो सर मैंने अपना पर्सनल बनाया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी कंपनी का जो ट्रेड लाइसेंस है उस पे मैं आपके साथ मतलब बनवा कर काम स्टार्ट करूँ। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह करते हैं सेशन के बाद। आप मुझे उसकी ईमेल सेंड कीजिएगा, अमेज़न की तरफ से जो आपको आई होगी, तो इंशाल्लाह उसका भी डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह रीएक्टिवेट करवा लेंगे। नो इशू। ओके सर। ओके, और कोई क्वेश्चन जी? नहीं सर। सलीम भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? आप न्यू हैं आई थिंक इस फील्ड में, कोई क्वेश्चन पूछे। जी जवाहर भाई, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मैं इस सवाल से कह रहा था कि जिस तरह ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं लोग, इनमें कुछ लोगों को मतलब के मैक्सिमम आइडिया है, लेकिन कुछ जैसे मैं हूँ, हमें बिल्कुल बस कुछ अर्सा पहले ही हमने अमेज़न ओपन की थी, उसके बाद ना उसके कुछ भी काम नहीं किया, बस ये सुना है कि अमेज़न पे इस तरह काम वर्किंग वगैरह होती है,
तो मैं ये आ रहा हूँ कि कल से या आपका जो अपना जो उनका क्राइटेरिया बना हुआ है आपने उसे चलना है, लेकिन जो मेरा मतलब ओपिनियन ये थी कि इस हिसाब से चला जाए कि एक न्यूली मतलब कि आप ऐसे समझ के चले हैं कि जो एक बंदा है ना उसको बिल्कुल इसकी हाव ना नहीं है कि किस तरह क्या काम करना है, तो उसके मतलब के न्यू अकाउंट बनाया जाए, न्यू हर चीज़ लेके उस पर जो सारा जो लिस्टिंग वगैरह प्राइसिंग के सारा कुछ करना है, इस तरह अगर हो सकता है तो वो मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप इंशाल्लाह आपका अकाउंट भी क्रिएट करवाया जाएगा पाकिस्तान से बैठ के आपकी नेशनल आईडी पे, ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे हम आपको उसकी भी असर, ठीक है, सबको उसकी भी असर होगी। अगर किसी को प्रोडक्ट हैंडल करने में पहले स्टेप में मुश्किल आ रही है तो हम वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि आप जब एक न्यू एक एरा में कदम रखते हैं ना तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, ठीक है ना, आपको मतलब समय नहीं आ रही, बातें गुजर रही होती है कि अभी मैंने तो पढ़ा नहीं है मुझे कैसे समझ आएगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, हमारे पूरे सिटी कॉमर्स इदारा आपके साथ है और इंशाल्लाह हर पॉसिबल आपकी हेल्प की जाएगी जहाँ भी आपको इशू। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। और कोई क्वेश्चन? यूसुफ भाई आपको कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं अभी तक के लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी जो आपने लेक्चर भेजा है, आपने लेक्चर ये आज करवाया है वो मैं इंशाल्लाह दोबारा एक बार रीड करूंगा, अगर कोई मुझे परेशानी वगैरह हुई ना समझ आई चीजों में तो फिर लास्ट में पूछूंगा। जी बिल्कुल, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और इंशाल्लाह वीडियो भी एडिटेड मिल जाएगी आपको, ठीक है, टेंशन नहीं। ठीक है। अच्छा अभी चलते हैं, कुछ एक आध टॉपिक हमारा रह गया वो पढ़ते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो करेंगे, उसके बाद सेशन एंड करते हैं, ठीक है। अभी ये हमने पढ़ लिया गेटेड कैटेगरी क्या होती है जिसके ऊपर हमें अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, जो सबकी मोस्ट फेवरेट है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ना बैक पे रखा है, ठीक है। व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग product without the responsibility of carrying inventory or shipping the goods. The product manufacturer is responsible for manufacturing the product, maintaining inventory and shipping the goods to the customer. ठीक है, अब मैं आपको इजी अल्फाज में समझाता हूँ। यहाँ पे एक इमेज ऐड की है मैंने ड्रॉपशिप मॉडल की। सबसे ऊपर आ रहा है यूर स्टोर, ठीक है, उसके नीचे आ रहा है सप्लायर और उसके नीचे आ रहा है कस्टमर।